तो यार देखो, वैसे तो ये वीडियो मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी पर होने वाला है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे फ्री फायर में हेडशॉट और बॉडी शॉट मारने वाले बंदे गए तेल लेने। जो बंदे फालतू की मूवमेंट दिखाते हैं उन्हें लोग ज्यादा प्रो मानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। साथ ही में फ्री फायर की इस अद्भुत दुनिया में आपको दो तरीके के लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक वो होते हैं जिनके पास होती है बहुत तगड़ी मूवमेंट, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी, मतलब इतनी तगड़ी कि मूवमेंट करते समय इनको धरती और आसमान का भी कुछ पता नहीं होता और नहीं अपना कुछ अंदाजा होता है। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उन्हें मैप में अपने और अपने एक एनिमी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। हाँ ये कर लो पहले। और तो और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जब तक आपका गेम प्ले फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेसी से भरपूर नहीं होगा, तब तक कोई भी बंदा आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मूवमेंट और एक्यूरेसी का एक ऐसा कॉम्बो लाया हूँ जिसको अगर आप लोग यूज करोगे तो आपकी मूवमेंट शक्तिमान जैसी और एक्यूरेसी Y444 जैसी हो जाएगी। इसीलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और चलते अपन जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर देते हैं। अब देखो, जो सबसे पहली चीज है जिससे आप लोग अपनी मूवमेंट के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हो, उसका नाम है जॉयस्टिक। अब आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि यार जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से तो हमारी गोलियां और रिकॉइल हो जाती हैं। तो जॉयस्टिक से आपकी गोलियां रिकॉइल तो होती हैं, पर जब आप लोग उसका गलत तरीके से यूज करते हो तब होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। तो देखो, ये है जॉयस्टिक को यूज करने का सबसे गलत तरीका। हालांकि इससे हेडशॉट तो लग जाते हैं बट मूवमेंट बहुत बेकार हो जाती है, तो इसीलिए इस तरीके से आपको जॉयस्टिक को कभी भी यूज नहीं करना है। तो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा जॉयस्टिक का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे किसी भी क्लिप में देख लो कि मैं पहले बिल्कुल जॉयस्टिक का यूज नहीं कर रहा, बट जैसे ही मेरे सामने कोई एनिमी आ रहा है तो मैं हल्का सा जॉयस्टिक को पकड़ रहा हूँ ताकि मेरा जो कैरेक्टर है वो स्टेबल हो जाए और एम भी सही हो जाए, और उसके बाद मैं सिंपली ड्रैग कर दे रहा हूँ जिससे कि इजिली हेडशॉट लग जा रहा है। तो आपको भी यही करना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा जॉयस्टिक का यूज करना है, बिल्कुल एक आधे सेकंड के लिए, जिससे कि आपका जो कैरेक्टर है वो एकदम स्टेबल हो जाएगा और आपका एम भी परफेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को ड्रैग करना है। और ये टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है हेडशॉट मारने के लिए। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और हाँ गाइज, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी बंदे को मेरी गिल्ड में आना है, वो भी अपने गेम प्ले के दम पे, तो आप लोग सिंपली अपने टाइटल में @WhitePro Gaming लिख के अपने गेम प्ले को अपलोड करना। अगर आपका गेम प्ले सच में बढ़िया होगा तो मैं खुद आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको गिल्ड में ले लूंगा, और अगर ज्यादा बढ़िया होगा तो मैं वीडियो में भी आपका गेम प्ले दिखाऊंगा। अब देखो, अगर आप लोगों को अपने गेम प्ले में फास्ट मूवमेंट के साथ साथ बहुत तगड़ी एक्यूरेसी भी चाहिए, तो आप लोगों को अपनी फिंगर स्पीड को भाई तेज करना ही पड़ेगा। इसको बिल्कुल वैसे ही मान लो कि अगर आप लोग अपने दोस्त के घर पे चल चल के जाओगे तो आप लोग बहुत लेट पहुंचोगे, लेकिन अगर आप लोग दौड़ के जाओगे तो आप लोग जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप लोग बाइक से जाओगे तो आप लोग बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी फिंगर को हमेशा तेज चलाना है और जल्दी जल्दी बटन पे प्रेस करने की कोशिश करनी है। और अपनी फिंगर स्पीड को बढ़ाने के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को सिंपली कस्टम में जाना है और वहां पे जाके आपको बहुत ज्यादा ग्लू वॉल लगाने की कोशिश करनी है, और बहुत जल्दी जल्दी ग्लू वॉल लगानी है। अब जो नेक्स्ट चीज आपको अपने गेम प्ले में ऐड करनी है वो ये है कि आपको अपनी गन को कभी भी हाथ में पकड़ के नहीं चलना है, आपको हमेशा गन को पीछे करके भागना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोले कि भाई हमें तो ये बहुत पहले से ही पता था। तो आपको बेशक इसके बारे में पहले से पता होगा, लेकिन इसका सही रीजन आपको नहीं पता होगा कि ऐसा करना क्यों चाहिए। तो इसके दो मेन रीजन है। सबसे पहले तो वही है जो कि आप सभी को पता है कि आप लोग जब अपनी गन को हाथ में पकड़ते हो तो आप लोग ज्यादा तेज नहीं भाग सकते, जिससे कि आप लोगों की मूवमेंट भाई वैसी कम हो जाती है। लेकिन जो सेकंड रीजन है वो आप सभी लोगों को शायद नहीं पता होगा, और वो ये है कि जब आप लोग कोई भी गन को अपनी हाथ में पकड़ के भागते हो तो आपके कैरेक्टर का जो हेड होता है वो थोड़ा ज्यादा झुक जाता है आगे की साइड, जिससे कि घाटा क्या होता है कि कोई भी बंदा ना चाहते हुए भी आपको बड़ी आसानी से हेडशॉट मार सकता है। इसीलिए आपको अपनी गन को ज्यादातर पीछे रख के इधर से उधर जाना है। अब देखो, अगर आप लोगों को अपनी मूवमेंट को बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है तो मैं आपको एक बहुत मस्त चीज बताता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है, लेकिन आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी गन लेकर नहीं जाना है, आप लोगों को सिंपली खाली हाथ जाना है, और खाली हाथ जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड में भागना है और सभी बंदों से बचना है। मतलब आप लोगों को कभी खिड़की से इधर उधर हो जाना है, कभी ग्लू वॉल लगा देनी है, मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बंदों से बचना है, और आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कोई भी बंदा जल्दी से ना मार पाए। और अगर आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस रोज 10 से 15 मिनट के लिए करोगे तो आप लोग बड़ी आसानी से किसी भी स्क्वाड को अकेले चकमा दे सकते हो, तो इसीलिए आप लोग इस चीज को जरूर ट्राई करना। उसी के साथ साथ मैंने एक और चीज देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई जब भी वो अपने स्क्रीन को
लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट रोटेट करते हैं तो वो 3-4 बारी में रोटेट करते हैं, जिससे कि बहुत सारा टाइम उनका स्क्रीन को रोटेट करने में चला जाता है। इसीलिए आपको हमेशा एक बार में अपनी स्क्रीन को रोटेट करना है, बार बार अपनी उंगलियों को नहीं घिसना है, क्योंकि उससे आपकी मूवमेंट स्पीड भी कम होती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हमारे फोन में तो एक बार में पूरी की पूरी स्क्रीन रोटेट होती नहीं है, हमें तो 3-4 बार में ही करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। तो इसके लिए आप लोग अपनी सारी की सारी सेंसिटिविटी को 100-100 कर लेना, या फिर अगर वो भी कम पड़े तो भाई अपनी DPI में जाना और 100-150 अपनी DPI को बढ़ा लेना, जिससे कि आप लोग सिंपली थोड़ा सा स्लाइड करने पे भी अपनी स्क्रीन को रोटेट कर पाओगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है अपनी मूवमेंट और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, वो है प्ले 3 फिंगर या फिर यूज लेफ्ट फायर बटन। तो देखो, अगर आपको सच में अपनी मूवमेंट को तड़कता भड़कता करना है ना, तो आपको अपनी भाई 3 फिंगर पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक भी प्लेयर ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई वो 2 फिंगर पे बहुत तगड़ी मूवमेंट भी कर लेता हो और हेडशॉट भी मार लेता हो, क्योंकि 2 फिंगर पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपको आज ही 3 फिंगर ही कस्टम एचयूडी बना लेनी है और 3 फिंगर पे प्रैक्टिस करनी है। और शुरुआत में तो भाई आपको सभी के सभी लोग ऐसे धोएंगे जैसे कपड़ों को धोबी घाट में धोया जाता है, लेकिन थोड़ा सा 3 फिंगर पे टाइम हो जाने के बाद आप लोग सभी के सभी बंदों को धोगे। और देखो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो भाई लाइक करने में तो भाई बिल्कुल ही मत शर्माना और सब्सक्राइब भी फटाफट से कर लेना। और डिस्क्रिप्शन खोलते ही आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा, तो आप लोग उधर भी आके चुपचाप मेरे को फॉलो कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।